हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, नेम द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट से अगर कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म होता है तो वो क्वाड्रिलेटरल का नेम हम लोग को लिखना है, ठीक है। या तो वो स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, या पैरेललोग्राम हो सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्वाड्रिलेटरल का नेम दे देते हैं, ठीक है। सपोज हम लोग को क्वाड्रिलेटरल निकालना है ए बी सी डी, ठीक है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये ए का पॉइंट है, ये बी का पॉइंट है, ये सी का पॉइंट है और ये डी का पॉइंट है, ठीक है। सपोज ये कोऑर्डिनेटरल है जिसमें ये है ए बी सी और डी, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे और डी ए का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। डिस्टेंस निकालने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि क्या ये कोऑर्डिनेटरल बन रहा है, अगर बन रहा है तो कौन सा बन रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी इक्वल टू अंडर रूट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है हम लोग का, यहाँ पे मैं डिस्टेंस फार्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे और हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज कर लेते हैं ए बी के डिस्टेंस निकालने में कि ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, और ये x2 है और ये है आपका y2 जीरो, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, ए बी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्स टू क्या है आपका, वन है, यहाँ पे देखिए एक्स टू वन है, ठीक है, माइनस एक्स वन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू, वाई टू क्या है जीरो है, माइनस वाई वन माइनस टू है, ठीक है, तो माइनस टू का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो वन प्लस वन क्या हो गया, टू, टू का स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो गया और जीरो प्लस टू क्या होता है, टू होगा, तो टू का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, टू का स्क्वायर फोर, टू टू जा फोर प्लस टू का स्क्वायर फोर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट फोर प्लस फोर एट, ठीक है। ए बी का डिस्टेंस हम लोग को निकल गया एट यूनिट, ठीक है, समझ गए। अब हम लोग बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो बी सी इक्वल टू अंडर रूट, इसी फॉर्मूला पे हम लोग वैल्यूज को पुट करेंगे, तो इस बार आपका क्या होगा, इस बार जो एक्स वन एक्स टू है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स टू है और ये है y2, ठीक है, और ये x1 है और ये है आपका y1, ठीक, समझ गए। तो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, x2 क्या है माइनस वन माइनस x1 क्या है वन का होल स्क्वायर प्लस y2 टू है माइनस y1 जीरो है, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ गए। इसको सॉल्व करेंगे आगे, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर प्लस टू माइनस जीरो टू का स्क्वायर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर फोर प्लस टू का स्क्वायर फोर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा एट। तो बी सी भी हम लोग का क्या आया एट यूनिट, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग इसको निकालते हैं सी डी, ठीक है।
फॉर्मूला हम लोग का वही रहेगा क्योंकि हम लोग डिस्टेंस को फाइंड कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एक्स वन एक्स टू और वाई वन वाई टू का वैल्यू जो है वो चेंज होगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा, यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं सी और डी के बीच का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स टू, ये हो जाएगा आपका वाई टू, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस वन एक्स वन और ये हो जाएगा आपका वाई वन, ठीक है। तो आइए हम लोग पुट करते हैं, एक्स टू कितना है, माइनस थ्री है और एक्स वन है माइनस वन, ठीक है। एक्स टू कितना था आपका, माइनस थ्री और माइनस, और एक्स वन कितना था, माइनस वन, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। वाई टू यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या होगा, वाई टू आपका है शून्य और वाई वन है टू, ठीक है। वाई टू शून्य है माइनस वाई वन है टू, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आता है, माइनस थ्री और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। का स्क्वायर प्लस शून्य माइनस टू कितना हो जाएगा, माइनस टू का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा, टू टू जा फोर प्लस यहाँ पे माइनस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू टू जा फोर, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा, एट। तो सीधी भी हम लोग का आ गया आपका एट यूनिट, ठीक है। इसी तरह हम लोग डी ए निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही होगा क्योंकि हम लोग डिस्टेंस को निकाल रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ भी क्या होगा, ये वैल्यू चेंज होगा, ठीक है। कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ पे डी ए निकाल रहे हैं तो ये बाद में आ रहा है, तो ये x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका y2, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं तो x2 क्या है, माइनस वन है और x1 क्या है, माइनस थ्री है। x2 क्या है, माइनस वन है और माइनस x1 है माइनस थ्री, ठीक है। इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 देखिए माइनस है और y1 है जीरो, ठीक है। तो y2 है माइनस टू माइनस y1 है जीरो, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस माइनस माइनस, तो थ्री माइनस वन करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा टू, तो टू का स्क्वायर प्लस माइनस टू और माइनस जीरो करेंगे तो माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस टू का स्क्वायर, अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर प्लस माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा टू टू का फोर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट फोर प्लस फोर एट, तो डी ए भी हम लोग का आ गया एट यूनिट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डायगोनल निकालेंगे क्योंकि डायगोनल अगर इक्वल आता है तभी ये स्क्वायर हो सकता है। तो डायगोनल क्या क्या है यहाँ पे, तो डायगोनल हम लोग का है ए सी और बी डी, ठीक है। तो हम लोग ए सी और बी डी निकालेंगे, ए सी, तो ए सी के लिए ये एक्स टू है और ये है एक वाई टू, ठीक है, और ये एक्स वन है और ये है वाई वन, ठीक है। तो ए सी हम लोग निकालते हैं, ए सी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन, तो एक्स टू है माइनस वन और एक्स वन है माइनस वन, ठीक है। तो माइनस वन माइनस माइनस, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन, तो वाई टू देखिए क्या है, टू और ये माइनस टू, तो ये टू है वाई टू और ये माइनस माइनस। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है और ये क्या हो जाएगा, वन माइनस वन जीरो प्लस टू और ये माइनस माइनस प्लस होता है, टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर, तो फोर का स्क्वायर। और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो फोर फोर जा सिक्सटीन, तो अंडर रूट सिक्सटीन ए सी आ गया, ठीक है।
अब हम लोग बी डी निकालेंगे। बी डी इक्वल टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन। अब इसका एक्स टू माइनस एक्स वन वैल्यू ये एक्स टू हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई टू, ये एक्स वन हो जाएगा और ये हो जाएगा वाई वन। ठीक है, तो एक्स टू क्या माइनस थ्री और बी है एक्स वन है वन। ठीक है, माइनस थ्री माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन। तो वाई टू देखिए क्या है, जीरो और वाई वन भी है जीरो। ठीक है, तो जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा माइनस फोर का स्क्वायर। ठीक है, और ये जीरो हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट सिक्सटीन। ठीक है, तो हम लोग को क्या आ गया आपका, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल हम लोग का क्या था, क्वाड्रिलेटरल हम लोग का था ए बी सी डी। ठीक है, और हम लोग को फाइंड हो गया डिस्टेंस, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, इक्वल टू कितना था, अंडर रूट ए। ठीक है, ये हम लोग का साइड इक्वल आ गया था और इसके डायगोनल यानी ए सी और बी डी भी इक्वल थे, तो ए सी इक्वल टू बी डी आया। ठीक है, इक्वल टू कितना आया, अंडर रूट सिक्सटीन। तो दिस इज स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सिक्स के पार्ट सेकंड पे। ठीक है, पार्ट सेकंड का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है, तो इसमें हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी। ठीक है, सपोज कर लीजिए कि ये एक कोऑर्डिनेटरल है। ठीक है, तो हम लोग को एक कोऑर्डिनेटरल प्रूफ करना है कि कौन सा कोऑर्डिनेटरल है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, डिस्टेंस निकालना होगा। सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर डी ए का, फिर उसके डायगोनल साइड। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस ए डी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये हम लोग का एक्स टू है और ये वाई टू है। ठीक है, और ये एक्स वन है और ये वाई वन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्स टू क्या है, थ्री है माइनस एक्स वन क्या है, माइनस थ्री। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस वाई टू वन है माइनस वाई वन है फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा का स्क्वायर प्लस, और ये क्या हो जाएगा, माइनस फाइव और वन कितना हो जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या आएगा, सिक्स सिक्स जा थर्टी सिक्स प्लस फोर का स्क्वायर फोर फोर जा सिक्सटीन। अब इसको प्लस करते हैं हम लोग तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट सिक्स से ट्वेल्व का टू कैरी वन थ्री वन फोर और वन फाइव, अंडर रूट फिफ्टी टू यूनिट आ गया ए सी का डिस्टेंस। अब हम लोग बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे इसी तरह। तो यहाँ देखिए सपोज कर लेते हैं कि ये है एक्स टू और ये है वाई टू और ये है एक्स वन और ये है वाई वन। ठीक है, तो एक्स टू कितना है, जीरो माइनस एक्स वन कितना है, थ्री का स्क्वायर प्लस वाई टू कितना है, थ्री है और वाई वन कितना है, वन, तो माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा, अंडर रूट माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन कितना हो जाएगा, टू का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा थ्री का स्क्वायर थ्री थ्री जा नाइन प्लस टू का स्क्वायर टू टू जा फोर और अंडर रूट नाइन और फोर को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, थर्टीन आ जाएगा। तो अंडर रूट थर्टीन आ गया यूनिट बी सी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि ये आ गया अंडर रूट फिफ्टी टू और ये आ गया अंडर रूट थर्टीन। ठीक है, अब हम लोग बी सी निकालते हैं तो बी सी हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू अंडर रूट
इसको H2 मान लेते हैं, इसको Y2 मान लेते हैं, और इसको X1 मान लेते हैं, और इसको Y1 मान लेते हैं, ठीक है। CD या DC एक ही बात, तो क्या हो जाएगा, H2 है -1, -X1 कितना है आपका, 0, ठीक है। प्लस Y2 है -4, -Y1 कितना है, 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का, ये आ गया आपका -1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 3 -7 का स्क्वायर, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे कितना आता है, 1 का स्क्वायर आपका आ गया 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट आ गया आपका 50, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सी डी कितना आ गया, अंडर रूट 50, ठीक है। तो तीनों साइड जो है इसका वो डिफरेंट डिफरेंट आया, तो ये एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेम, ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, समझ गए। पार्ट 2, अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे इसका, ठीक है। तो थर्ड पार्ट आपका ये है 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये एक कोऑर्डिनेटरल है जिसमें ए बी सी और डी है, ठीक है। तो जिसमें कि ये जो पॉइंट है 4, 5, वो ए है, और ये बी है, ये सी है, और ये डी, ठीक है। तो हम लोग इसका डिस्टेंस निकालेंगे जिससे हम लोग को पता चल पाएगा कि ये कोऑर्डिनेटर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग फॉर्मूला तो कोऑर्डिनेट का जानते ही है, डिस्टेंस का कि क्या होता है, H2 -H1 का होल स्क्वायर प्लस Y2 -Y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग मान लेते हैं X2, और इसको मान लेते हैं Y2, और ये हो जाएगा X1 और ये Y1, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो X2 क्या है, 7 -X1 है 4 का स्क्वायर प्लस Y2 है आपका 6 -1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा, 7 -4 आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 -1 आएगा क्या आपका, 5 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये क्या है, एक Y1 ये 5 है, ठीक है। तो 6 -5 कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 3 3 9 प्लस 1, ठीक है। तो कितना आया आपका, ये आ गया अंडर रूट 10 यूनिट, इसका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना आया, अंडर रूट 10 यूनिट। अब हम लोग निकालेंगे बीसी का डिस्टेंस, ठीक है। तो बीसी के लिए ये X2 हो जाएगा, ये Y2, ये X1 और ये Y1, ठीक है। तो X2 कितना है, 4 -X1 कितना है, 7, ठीक है, और प्लस Y2 कितना है, 3 -Y1 कितना है, 6, ठीक है, इसका स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो देखिए कितना आ जाएगा, 7 -4 ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 3 -6 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग, तो कितना आएगा देखिए यहाँ पे, 3 3 9 प्लस 3 3 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 9 18, तो अंडर रूट 18 यूनिट आ जाएगा बीसी, बीसी आ गया अंडर रूट 18 यूनिट, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं सी डी, ठीक है, सी डी इक्वल टू अंडर रूट X2 ये है, एक Y2 है, और ये X1 है, ये Y1, ठीक है। तो X2 कितना है, 1 माइनस X1 है 4, ठीक है, का स्क्वायर प्लस Y2 है आपका 2 माइनस Y1 है 3, ठीक है, इसका स्क्वायर।
अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखते क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 कितना आ जाएगा, -3 बाय स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 1 इक्वल टू अंडर रूट 10। ठीक है, आ गया कितना, ये अंडर रूट 10। तो ए डी हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट स्टेप को, ए डी इक्वल टू अंडर रूट h2। तो ए डी निकालना है तो ये h2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, और ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। ठीक है, तो h2 कितना है, 4 माइनस 1। ठीक है, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 कितना है, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, अंडर रूट 18। तो ए डी भी हम लोग का क्या आ गया, अंडर रूट 18 यूनिट। ठीक है, यहाँ देखिए ये ए डी क्या आ गया, अंडर रूट 18 यूनिट। ठीक है, तो चूंकि इसके आमने सामने का जो साइड है वो इक्वल है, इसीलिए क्या है, ये एक पैरेललोग्राम। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे सेम, ए डी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी, सो दिस इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो समझ में आया आपको, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बार बार बैठना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है, इसलिए दिक्कत होता है। तो और लिखने में भी, क्योंकि माउथ से मैं लिखती हूँ तो लिखने में भी दिक्कत होता है, तो ये सब को इग्नोर करते हुए अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।